गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट वर्कशीट 2 ऑफ यूनिट 11। बिफोर डूइंग वर्कशीट 2, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दीज टू फॉर्मूलाज एंड ऑल्सो राइट ऑन योर फेयर नोटबुक। फॉर्मूलाज आर प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? SP माइनस CP। एंड लॉस का फॉर्मूला CP माइनस SP। हम फर्स्ट वर्कशीट में भी कर चुके हैं। व्हेन SP इज ग्रेटर देन CP देन देयर विल बी प्रॉफिट, एंड व्हेन CP इज ग्रेटर देन SP देन देयर विल बी लॉस। दैट मीन्स हम कोई आइटम, कोई आर्टिकल कम में परचेज करके ज़्यादा में अगर हम सोल्ड आउट करते हैं तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। बट अगर हम कोई आइटम ज़्यादा कॉस्ट में परचेज कर रहे हैं और कम में उसको सोल्ड आउट कर दें तब हमें क्या होगा? लॉस होगा। नाउ वी विल स्टार्ट वर्कशीट 2। रीड द स्टेटमेंट। अ वेजिटेबल सेलर बोट पटेटोज फॉर ₹200। वेजिटेबल सेलर ने क्या किया? पटेटोज लिए, कितने में? ₹200 में। ही स्पेंट ₹20 ऑन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब उसको अपने एरिया में लाने के लिए कितने रुपीज और देने पड़े? ₹20 और लगाने पड़े। एंड देन सोल्ड देम फॉर ₹290। उसके बाद क्या किया उसने? इनको सोल्ड कर दिया कितने रुपीज में? ₹290 में। फाइंड प्रॉफिट और लॉस तो आपको बताना है उस वेजिटेबल सेलर को, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो जब आपको गिवन है स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग राइट करो। फर्स्ट हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ पटैटोज। पटैटोज का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको? ₹200। दैट मीन्स वेजिटेबल सेलर कितने में लेके आया पटैटोज? ₹200 में। ट्रांसपोर्ट चार्जेस पटैटोज लेके आएगा जिस भी ट्रांसपोर्ट का उसने यूज करा, जैसे बस का यूज कर रहा है, कार पे गया, ऑटो पे जा रहा है, तो उसके ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितने लगे? ₹20। तो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया अब इसका? ₹200 पोटैटोज का कॉस्ट प्राइस था, ट्रांसपोर्ट पे भी उसने खर्च कर दिए, तो दोनों को मिला करके उसको जो कॉस्ट पड़ गई पोटैटोज की, कितनी कॉस्ट पड़ी? इन दोनों को आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। 200 में 20 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 220। ये क्या होगी? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ पोटैटोज। मतलब वेजिटेबल सेलर को पोटैटोज ₹220 के पड़े। अब कह रहा है देन सोल्ड देम फॉर ₹290। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है इसका? सेलिंग प्राइस ऑफ पोटैटोज का सेलिंग प्राइस कितना गिवन है आपको? ₹290। इस केस में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है SP इज ग्रेटर देन CP। मतलब आपने कोई आइटम, यहाँ पे वेजिटेबल सेलर ने पोटैटोज कम में खरीदे और ज्यादा में दे दिए, तो उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया आपको? प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP माइनस CP। SP कितना दे रखा है आपको? दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ₹290। कॉस्ट प्राइस कितना है? ₹220। तो इसका मतलब वेजिटेबल सेलर को प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज का? 290 में से 220 कट करोगे तो कितना आ जाएगा? 70। तो वेजिटेबल सेलर को कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ? ₹70 का। फर्स्ट जो हमने वर्कशीट की थी उसमें जस्ट आपको कॉस्ट प्राइस गिवन था, सेलिंग प्राइस गिवन था, बट यहाँ पर ट्रांसपोर्ट चार्जेस के लिए जब कोई पर्सन खर्च कर रहा है दैट मीन्स उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। सेकेंड वर्कशीट में थोड़ा सा ही चेंज है फर्स्ट वर्कशीट से, अदरवाइज बिल्कुल सेम है। तो क्लियर हुआ इस वर्कशीट में क्या किया हमने? पहले पोटैटोज का कॉस्ट प्राइस राइट करा, फिर जितने ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगे एक्चुअल कॉस्ट प्राइस दोनों को प्लस कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमें गीवन है, इस केस में SP जो है वो CP से ग्रेटर आया तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? SP माइनस CP। जब SP में से CP को कट करोगे तो कितना आंसर आ रहा है? 70। दैट मीन्स वेजिटेबल सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ? ₹70 का। ऑफ सेकेंड सम मिस्टर गुप्ता बोट अ कार फॉर ₹40,000। मिस्टर गुप्ता ने कार कितने की खरीदी? 40,000 की। ही स्पेंट ₹8,000 फॉर पेंटिंग। उन्होंने क्या किया? कार के ऊपर पेंट कराया और कितने रुपीज स्पेंट किए? ₹8,000 उनको खर्च करने पड़े।
इफ ही सोल्ड कार फॉर रुपीज 53,000, उसके बाद क्या किया उन्होंने, कार को सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया कितने रुपीज में, 53,000 में। फाइंड गेन और लॉस, तो आपको बताना है इसमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो ब्राइट करिए इसका सोल्यूशन। गिवन क्या है, मिस्टर गुप्ता बोट अ कार फॉर रुपीज 40,000, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ कार, कार का कॉस्ट प्राइस कितना है, दैट मीन्स मिस्टर गुप्ता ने कार कितने में खरीदी, 40,000 में। 40,000 में खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया, ही स्पेंट ऑन पेंटिंग, पेंटिंग में कितना खर्च किया, स्पेंट ऑन पेंटिंग, पेंटिंग पर कितने रुपीज खर्च किए, 8,000 रुपीज। जब आप राइट करोगे ध्यान रखना, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, इस तरह से राइट करोगे। नाउ एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, अब इनको कितने रुपीज की कार पड़गी, आप क्या करोगे, जितना स्पेंड किया वो भी हम प्लस कर देंगे। 40,000 में 8,000 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48,000। ये क्या हो गया, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब सोल्ड कार फॉर रुपीज 50,000, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ कार, कार कितने में उन्होंने वापस दे दी, 53,000 रुपीज में। 48,000 में उन्होंने परचेज की थी, सोल्ड आउट कर दी 53,000 में। आपको यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी जो है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो क्या होगा, मिस्टर गुप्ता को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना गिवन है आपको, 53,000 रुपीज माइनस सीपी, सीपी कितना है, 48,000। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 53,000 में से 48,000 कट करोगे, जीरो से जीरो को कट किया तो जीरो, 13 में से 8 गया 5, यहाँ कितना रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, हमें राइट करने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर गुप्ता को प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 रुपीज का। क्लियर हुआ, क्या गिवन था, कार का कॉस्ट प्राइस गिवन था, पेंटिंग पर उन्होंने इतना स्पेंड कर दिया, दैट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया, दोनों को प्लस कर देंगे 48,000। कार सोल्ड कितने में कर दी, 53,000 में, मतलब कम में लेकर के ज्यादा में उन्होंने सोल्ड कर दी, तो उनको क्या होगा, मिस्टर गुप्ता को प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला एसपी माइनस सीपी, 53,000 में से 48,000 को जब कट किया तो आंसर कितना आ गया, 5,000, दैट मीन्स मिस्टर गुप्ता को 5,000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। नाउ रीड द स्टेटमेंट ऑफ थर्ड सम। रामलाल परचेज अ प्लॉट फॉर रुपीज 1,35,000। रामलाल ने एक प्लॉट परचेज किया, दैट मीन्स खरीदा, कितने में, 1,35,000 में। ही कंस्ट्रक्टेड अ बाउंड्री वॉल कॉस्टेड रुपीज 25,500। उसने क्या किया, प्लॉट के चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगवा दी, चारों तरफ एक वॉल लगवाई, उस वॉल की कॉस्ट कितनी है, 25,500। इफ ही सोल्ड प्लॉट फॉर रुपीज 1,90,500। वॉल लगवाने के बाद रामलाल ने क्या किया, प्लॉट को सोल्ड कर दिया, दैट मीन्स बेच दिया उसने, कितने का, 1,90,500 रुपीज का। फाइंड गेन और लॉस, तो बताना है रामलाल को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, राइट करो उसमें। गिवन क्या है, रामलाल ने परचेज किया प्लॉट 1,35,000 का, जो चीज हम परचेज करते हैं वो क्या कहलाता है, सीपी। तो क्या राइट करोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट, क्या परचेज किया उन्होंने, प्लॉट, तो प्लॉट का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है आपको, 1,35,000। फिर क्या किया उन्होंने, कंस्ट्रक्टेड अ बाउंड्री वॉल कॉस्टेड, स्पेंट ऑन, ही स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे उन्होंने कितना खर्च कर दिया, रुपीज 25,500। कंस्ट्रक्शन पे कितना खर्च किया, 25,500। अब हम बताएंगे एक्चुअल सीपी, एक्चुअल सीपी कितना हो जाएगा, दैट मीन्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, दोनों को प्लस कर दोगे, ये हो जाएगा एक्चुअल सीपी। प्लस करो, जीरो, जीरो प्लस फाइव फाइव, फाइव प्लस फाइव टेन,
वन कैरी, थ्री प्लस वन फोर, फोर एंड टू सिक्स एंड हियर वन, दैट मीन्स 1,60,500, ये हो गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट। नेक्स्ट दे रखे आपको सेलिंग प्राइस ऑफ प्लॉट, सेलिंग प्राइस दैट मीन्स रामलाल ने प्लॉट को कितने रुपीज में सोल्ड आउट करा, 1,90,500 रुपीज में। यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा है दैट एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मिस्टर रामलाल ने प्लॉट कम का खरीदा और ज्यादा का सोल्ड कर दिया, तो मिस्टर रामलाल को क्या होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया था, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना दे रखा है आपको, 1,90,500 माइनस सीपी कितना गिवन है, एक्चुअल सीपी कितना आया आपका 1,60,500। रफ साइड पे जब आप इसको सोल्व करोगे 1,90,500 में से 1,60,500 कट करोगे, जीरो में से जीरो कट जीरो, फाइव में से कट फाइव जीरो, फिर जीरो से कट जीरो, नाइन में से सिक्स गया थ्री, वन में से वन गया जीरो, वो जीरो आगे राइट करने की हमें जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट कितना हुआ रामलाल को, 30,000 का। कितने रुपीज का प्रॉफिट हुआ, 30,000। आप यहाँ प्रॉफिट भी राइट कर सकते हो या फिर गेन, गेन और प्रॉफिट दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर हुआ, दोबारा से देखिए, रामलाल ने क्या करा, प्लॉट परचेज किया 1,35,000 का, बाउंड्री वॉल पर इतना उन्होंने स्पेंड कर दिया 25,500, तो एक्चुअल सीपी क्या हो जाएगा, एक पर्सन इतना परचेज कर रहा है प्लॉट, उसके बाद और उसके ऊपर खर्च कर रहा है, तो टोटल कितने रुपीज में उन्होंने परचेज किया, दोनों को प्लस कर दोगे, उसके बाद सोल्ड आउट कितने में करा, दैट मीन सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1,90,500। इन दिस केस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, सो देयर विल बी प्रॉफिट, एंड फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना गिवन है, 1,90,500 एंड सीपी इज 1,60,500। जब आप कट करोगे एसपी में से सीपी को तो प्रॉफिट कितना हुआ रामलाल को, 30,000 का। प्रॉपर्टी डीलर ने क्या किया, एक हाउस परचेज किया, खरीदा कितने रुपीज में, 1,50,000 में। ही स्पेंट रुपीज 15,000 ऑन रिपेयरिंग द हाउस, हाउस को रिपेयर करवाने के लिए, उसमें जो कमी थी उसको ठीक करवाने के लिए उन्होंने 15,000 रुपीज और स्पेंड कर दिए। आफ्टर सिक्स मंथ ही सोल्ड हाउस फॉर रुपीज 2,15,000। सिक्स मंथ के बाद उन्होंने क्या किया, हाउस को सोल्ड कर दिया कितने रुपीज में, 2,15,000 में। फाइंड गेन और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी डीलर को गेन होगा, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी विल राइट कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, हाउस को परचेज किया, जो भी आइटम हम परचेज करते हैं वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउस, हाउस का कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है, 1,50,000 स्पेंट ऑन रिपेयरिंग, हाउस को रिपेयर करवाने में कितने रुपीज स्पेंट किए, 15,000। कितने रुपीज स्पेंट किए, 15,000। अब क्या हो जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स टोटल हाउस को परचेज करने में उनको कितने रुपीज लग गए, प्लस कर दो इन दोनों को, जीरो प्लस फाइव फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स एंड वन, 1,65,000। उसके बाद ही सोल्ड हाउस फॉर रुपीज 2,15,000, सेलिंग प्राइस ऑफ हाउस, उन्होंने हाउस को कितने रुपीज में सोल्ड आउट कर दिया, 2,15,000 में। कॉस्ट प्राइस परचेज किया 1,65,000 का और सोल्ड आउट कर दिया 2,15,000 में। इन दिस केस एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब प्रॉपर्टी डीलर ने हाउस को कम में परचेज किया, ज्यादा में सोल्ड कर दिया, तो उसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताते हैं हम, एसपी माइनस सीपी।
एसपी कितना गिवन है 2,15,000 एंड सीपी कितना गिवन है टोटल 1,65,000। अब आप क्या करोगे रफ साइड पर 2,15,000 में से 1,65,000 कट करोगे, कट करो, जीरो में से जीरो कट करोगे जीरो, फाइव में से फाइव कट किया जीरो, वन में से सिक्स कट नहीं होता, हम बोरो लेंगे, यहाँ हो गया 11 और यहाँ कितना रह गया वन, 11 में से सिक्स गया फाइव और वन में से वन गया जीरो, जीरो हमें यहाँ राइट करने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉपर्टी डीलर को प्रॉफिट होगा 50,000 रुपीज का, कितने का प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपीज। आप प्रॉफिट को और क्या बता सकते हो, गेन भी राइट कर सकते हो, गेन एंड प्रॉफिट दोनों का मीनिंग सेम है। तो सेकंड वर्कशीट क्लियर होगी आपको, लास्ट सम दोबारा से देखिए, हाउस का कॉस्ट प्राइस गिवन था 1,50,000, रिपेयरिंग पे स्पेंड कर दिया 15,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी हाउस की 1,65,000। फिर उसके बाद 6 मंथ के बाद प्रॉपर्टी डीलर ने हाउस को सोल्ड कर दिया, कितने में 2,15,000 रुपीज में। अब प्रॉपर्टी डीलर ने ज्यादा में सोल्ड आउट किया, कम में परचेज किया था, तो प्रॉपर्टी डीलर को क्या हुआ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को कट कर दोगे वो हो जाएगा प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रॉपर्टी डीलर को 50,000। सो योर वर्कशीट 2 इज कंप्लीटेड, डू वर्कशीट 2 इन योर फेयर नोटबुक। ओके बेटा।